हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे टैली ARP 9। टैली ARP 9 में जाके सबसे पहले हमें ये जो स्क्रीन ओपन होने के बाद हमें क्या करना है कि वहाँ पे हमें एजुकेशन मोड लेना है। एजुकेशन मोड में जाके सिल्वर वाला क्लिक करके देखना है। यहाँ पे क्रिएट कंपनी, अगर कंपनी में यहाँ पे बहुत सारे बटन होते हैं वहाँ पे कंपनी क्रिएट करना है, या तो F1 दबा के देने के बाद आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट कंपनी के ऊपर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम जो आपको इसमें दिया हुआ है वही नाम आपको वहाँ पे डालना है, MS Bitwise। वीडियो छोटा बनाना है इसके लिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ। बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी कंपनी यहाँ पे एंटर दिया, उसका एड्रेस वो सब कुछ जैसे दिया हुआ है, और फाइनेंस ईयर जो दिया हुआ है 1/4/2019 ऐसे डाल के एंटर दे के आगे जाना है, एंटर दे के कंप्लीट करना है। तो पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि एंट्री पास करना है हमें, उसमें से हम लोग को क्या क्या दिखाना है। तो प्रिंट में दिखाना है वेरियस रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड डे बुक, इसकी प्रिंट आउट हमें निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले जो एंट्री पास करना है तो मैं नीचे गया, मैं अकाउंटिंग वाउचर में फर्स्ट एंट्री लिखा हुआ है, डेट लिखा है 1/4/2019, मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश रिसीव हुआ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो अकाउंट क्या आएगा, तो यहाँ पे रिसिप्ट में क्लिक किया मैंने, रिसिप्ट में जाके यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, और डेबिट क्या होगा तो मैंने नोटपैड में वैसे ही किया हुआ है। फर्स्ट एंट्री रिसिप्ट में आएगी कैश टू कैपिटल, क्रेडिट कैपिटल होना चाहिए 5 लाख का। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्रेडिट लिखा हुआ है, तो अल्ट सी करके, अल्ट सी मैंने यहाँ पे अल्ट और सी दबाया, कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो अल्ट सी, और यहाँ पे मैंने डाला कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट आएगा। डिटेल फिलअप कर दिया और यहाँ पे कैपिटल मैंने दे दिया यहाँ पे 5 लाख्स, एंटर दिया, और यहाँ पे डेबिट होगा कैश। ये एंट्री आपकी ऐसे पास होगी, ये रिसिप्ट की। सेकेंड एंट्री दिया हुआ उन्होंने परचेस गुड फ्रॉम शारदा स्टील वर्क्स ऑन द क्रेडिट, क्रेडिट पे लिया हुआ है। तो क्या किया है, परचेस किया, तो परचेस लेजर में जाना है हमें। परचेस लेजर में जाने के बाद वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे स्क्रीन आएगी, तो इसे एज वाउचर कर सकते हैं आप, या तो डायरेक्टली पास करोगे तो आइटम पूछना पड़ेगा, तो मैंने एज वाउचर कर दिया। तो सिंपली एंट्री पास करने के लिए यहाँ पे देखो इनवॉइस ऐसे दिखेगा, एज वाउचर ऐसे दिखेगा, भूल गए तो कुछ ना कुछ हेल्प करूँगा। यहाँ पे परचेस में मैंने दिया शारदा स्टील, वर्क्स ऑन क्रेडिट, सॉरी शारदा स्टील देना है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा था। एंटर, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर आएगा, परचेस किया तो क्रेडिटर, सेल किया तो डेबिटर, एंटर देना है। पूरा डिटेल फिलअप मत करो, ऐसे एंटर देके आ जाओ नीचे, और यहाँ पे अमाउंट डाला 20,000, और यहाँ पे ऑन अकाउंट करना अगर कुछ एक्टिवेट रहेगा तो, और यहाँ पे आएगा अल्ट सी, कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो अल्ट सी परचेस। बहुत लोग पहले से ही लेजर क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अल्ट सी से लेजर क्रिएट करना चालू करो, परचेस किया। थर्ड एंट्री लिखा है पेड सैलरी टू स्टाफ, तो पेमेंट, पेड बोला है तो पेमेंट, पेमेंट में गया, यहाँ पे अल्ट सी सैलरी अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी ध्यान में रखना है कि सैलरी किस में आता है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है 5,000, और कैसे दिया हुआ है कैश रहेगा तो कैश डाल दिया, क्योंकि उन्होंने चेक भी लिखाना है। यहाँ पे लिख सकते हैं पेड नरेशन में कैश सैलरी टू स्टाफ, मैंने ये भी एंट्री पास किया कैश डिपॉजिट इन टू बैंक। ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री में जाती है F4 में, ध्यान में रखना कहाँ पे जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री में। मैंने यहाँ पे क्या दिया उन्होंने,
कैश डिपॉजिट मतलब बैंक को डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, अमाउंट हो गया यहाँ पे 50,000 डेबिट हुआ। अलसी कोई भी अकाउंट बनाने, तो अलसी बैंक अकाउंट बना लिया मैंने, बैंक अंडर बैंक अकाउंट। उसके बाद लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑफ इंडिया, लिखा था मैंने बैंक लिखा, वहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक नहीं लिखना है, वहाँ पे लिखना है बैंक ऑफ इंडिया। मैंने खाली बैंक लिख दिया वहाँ पे, लेकिन आपको क्या लिखना था, बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट ही आएगा। क्या आएगा, अंडर बैंक अकाउंट 50,000 डाल दिया मैंने। ये डिटेल फिलअप करो या नहीं करोगे तो भी एंटर देके नीचे आ जाना। उसके बाद दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज ऑन कैश। सोल्ड मतलब सेल किया हुआ, एफेट एफेट मतलब सेल है। एग्जामर बाई चांस पूछेगा F5 मतलब क्या, F6 मतलब क्या, F7 मतलब क्या, F8 मतलब क्या, तो उसका आंसर देना ऐसे वाउचर इनके आगे, तो इसे एज वाउचर करना है। यहाँ पे किसको सेल किया हुआ है, राकेश को, अल सी यहाँ पे मैंने दिया राकेश, राकेश को सेल किया हुआ है। क्या लिखा, ऑन कैश, तो यहाँ पे राकेश जो है सन्ड्री डेटर्स, परचेस रहा तो क्रेडिटर, सेल्स गया तो डेबिटर। अमाउंट है उसका यहाँ पे कितना किया है, 25,500 करके दिया हुआ है ऑन अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा, सेल किया हुआ है, तो अलसी सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट। उसके बाद लिखा है परचेस मशीन, परचेस बोला है तो F9 मतलब परचेस के लिए F9 करके दिया हुआ है। F9 के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे परचेस में भी एज वाउचर करना है मुझे, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है इसके लिए। परचेस में क्या परचेस किया, क्रेडिट क्या हुआ, तो मशीन क्या आएगा, मशीन मशीनरी क्या है, मशीनरी आपका फिक्स एसेट या तो करंट एसेट जो आप डिसाइड करते हो, तो फिक्स एसेट डाल दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं एंट्री, परचेस का एंट्री में यहाँ पे नहीं आया, तो ये क्या हुआ है, मशीन परचेस किया उन्होंने, क्या किया, कैश से परचेस किया है। तो यहाँ पे अगर ऐसे एंट्री नहीं पास हो रही है मशीन की, तो मैंने ऐसे कोई भी एंट्री जाएगी तो इसे F7 में जाओ, यहाँ पे डालो मशीन, मशीन में यहाँ पे कितना है, 10,000 रुपीज़ है। मतलब मैं हर एक एंट्री में यहाँ पे इसे क्रेडिट में क्या आ गया, तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा आपका परचेस, परचेस अंडर परचेस अकाउंट। रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, रिसीव बोला है तो रिसीव F6 में जाना है, F6 में जाना है, F6 में जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक से कैश क्या किया, डिपॉजिट इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, मतलब इंटरेस्ट रिसीव भी हुआ और कैश डिपॉजिट बैंक में भी किया हम लोग ने। मतलब दो एंट्री पास करना है या एक एंट्री पास करना है, तो डायरेक्टली हम लोग एक ही एंट्री पास कर सकते हैं। ये तो एंट्री कैश और डिपॉजिट किया हुआ है हम लोग ने, तो कॉन्ट्रा में डाल के एंट्री पास कर सकते हैं, या तो पहला इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इंटरेस्ट रिसीव है तो यहाँ पे एक दो एंट्री पास हो रहा है मेरे यहाँ पे। अगर मैं रियलिटी में देखूँ तो दो एंट्री, एक रिसीव में ऐसे करूँगा मैं, अलसी इंटरेस्ट रिसीव, ओके इनडायरेक्ट इनकम, रिसीव है इसके लिए इनकम। अमाउंट है तेरा आपका कितना, 2,000 और डेबिट हुआ कैश। और उसके बाद वापस सेकेंड एंट्री कॉन्ट्रा में, सेकेंड एंट्री बैंक ऑफ इंडिया नहीं, कैश क्रेडिट हुआ, अमाउंट कितना है आपका, 2,000 और डेबिट हुआ आपका कैश, कैश नहीं बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, जैसे हम लोग ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये सारा चीट, ये क्या किया आपने, कैसे किया हुआ है, वो सारा आपको वहाँ पे लिखना है। लेकिन ये मिलेगा कहाँ पे, ये सारे एंट्रीज हमें कहाँ पे मिलेगी, 2 तारीख था उसने, मैंने 2 तारीख का एंट्री पास ही नहीं किया। अगर कोई एंट्री 2 तारीख का करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई भी एंट्री पास करने के टाइम F2 करूँगा, डेट करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे एंटर दे दो। 2 का 2 का एंट्री पास करके हम लोग दिखा सकते हैं, और 2 का एंट्री पास करने के बाद डिस्प्ले में उन्होंने किस तरह, पहले तो आपने क्या क्या लेजर बनाया,
तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाऊं, यहाँ पे लेजर्स में जाऊं, यहाँ पे मल्टीपल में डिस्प्ले, डिस्प्ले में ऑल देखो, तो ये सारा चार्ट आप लिख सकते हो कि आपने क्या क्या बनाया, आपके पास क्या लेजर है, इसका प्रिंट आउट दूंगा तो भी चल जाएगा। सेकेंड हो गया, या तो पेपर के ऊपर लिखना है, सेकेंड हुआ आपको मांगा हुआ है उन्होंने ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे बैलेंस शीट है, यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, इसका प्रिंट आउट हम लोग निकाल के दे सकते हैं। सेकेंड दिया हुआ उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वापस पीछे गया, इसका एक प्रिंट आउट निकाल के हमें उनको देना है। उसके बाद दिया हुआ उन्होंने यहाँ पे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट क्लिक करके बैलेंस शीट करना है। उसके बाद दिया हुआ उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है डे बुक, तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है और डे बुक एंट्री पास करना है। डे बुक में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, डे बुक में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप पीरियड के ऊपर क्लिक करो और 1 तारीख से लेके 2 तारीख के का पीरियड आप देख सकते हो। ये सारे प्रिंट आउट निकाल के हम लोग को मैम को सबमिट करना है। और जीएसटी जो है, जीएसटी के लिए मेरे इसमें वर्किंग नहीं कर रहा है, तो जीएसटी के लिए भी आप सेम मेथड यूज़ करो, लेकिन परचेस का एंट्री परचेस में मारो और सेल का सेल का। जीएसटी ऑन करना ऑफ करने के लिए मैं वीडियो देखता हूँ, अगर किसी का वीडियो रहेगा तो आपको सेंड करके भेज देता हूँ, लेकिन इसे फॉलो करोगे तो बहुत